और एग्जाम देने या क्या करोगे, तो उस टाइम पे आपको एक ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है कि आप क्या करोगे उस सिचुएशंस में। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि आप रास्ते में देख रहे हो कि एक बूढ़ा आदमी है, वो गिरा पड़ा है और आप आपको स्कूल जाना है टाइम से, तो आप क्या करोगे, तो श्योर शॉर्टेडली मैं ये कहूंगी कि ऐसे किसी भी सिचुएशंस में आपको ये आंसर करना होता है कि आपको हर एक इंसान की हेल्प करनी है, और आपका जो फाइनल टास्क है जैसे कि एग्जाम देना, जैसे कि स्कूल जाना, वो भी आपको कंप्लीट करना है, एंड यू हैव टू मैनेज बिटवीन द थिंग्स। तो इस टाइप के रैशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू में, और आपको जैसे आप 12th कर लोगे तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोचिंग सेंटर्स होते हैं और आप प्रिपेयर कर सकते हो, दिल्ली में है क्वेश्चन कोचिंग सेंटर्स। नो इशू मैम, जस्ट आ रही है आप लोग के बीच। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं पाई हूँ गरिमा, और कोई क्वेश्चन प्रियजीत, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? थैंक्स अ लॉट फातिमा फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस। ओके, फातिमा ने लिखा है, माई मैम माई डॉटर फातिमा, शी इज 6 years ओल्ड स्टडिंग इन क्लास। I want to ask that she is so scared with little things, how will she be brave like you? Ma'am, आप उसको मार्शल आर्ट्स की क्लास ज्वाइन कराओ एक दो, और गेम्स और स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ उसका, और पक्का आप देखना, आप अगर उसको एक किसी भी ऐसी ऐसी चीजों में लगाओगे ना कि जिसमें आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, या फिर ऐसी चीजें करते हो जिसमें आप पब्लिक और ऑडियंस के सामने आते हो, तो वो पक्का स्ट्रांग बनेगी और उसके अंदर से वो डर धीरे धीरे निकल जाएगा। और माय एज अमृता इज आस्किंग, माय एज इज 31, आई एम मैरिड अमृता, आई एम माय हस्बैंड इज आल्सो आर्मी एंड ही इज ऑलवेज बी सपोर्टिंग टू मी। 2 साल हो गए मेरी शादी को, बट ओके मैम, व्हाट कैन आई डू टू, ईशान पूछ रहा है मैम, व्हाट कैन आई डू टू बी एयरफोर्स पायलट, फाइटर पायलट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ईशान, तो आप पहले 12th का एग्जाम दीजिए, फिर आप एयरफोर्स का के फॉर्म भरिए और आप एयरफोर्स जा सकते हैं, उसके बाद आप फाइटर पायलट बन सकते हैं। ओके फातिमा, थैंक यू। आकांक्षा मैम टेलिंग अबाउट दिल्ली क्लास, I want to join Balnui Academy name अमृता, वहाँ पे आप दिल्ली में है, गुड़गांव है क्लासेस, आप ऑनलाइन सर्च करो एक बालनुई अकेडमी नाम, जहाँ पे आपको अच्छी क्लास मिल जाएंगी, कोविड के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अर्जु ने बोला है मैम मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने हमें लाइफ के साथ बात करने को, थैंक यू सो मच।
Ma'am, my aim is to be an IPS officer. Very good. Become an IPS officer. Whatever you want to be in life, go ahead for this. You are a warrior. जो भी आप डॉक्टर बनते हो यू आर अ वॉरियर, आप एक आईपीएस ऑफिसर बनते हो यू आर अ वॉरियर, आप करो उस काम को और 100% आप आपका हासिल करेंगे। ईशा जीके का क्वेश्चन पूछने के लिए यू कैन गूगल आल्सो, इफ यू वांट टू आस्क द जीके क्वेश्चंस यू कैन गूगल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। और बच्चों का जो भी कुछ और क्वेश्चन होते हैं तो दे विल सेंड टू दियर टीचर्स, उसके बाद आई विल कलेक्ट दोज आंसर्स फ्रॉम यू। इट इज वेरी मोटिवेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू, सच अ हम्बल पर्सन एज यू ऑलवेज बीन सिंस स्कूल, एंड वेरी आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड टू कनेक्ट विथ यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा हेवी रेन हो रहा है, इस वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ओके ओके, मे बी और कुछ हमारे लव्ड, आई रियली लव टू स्पीक टू द चिल्ड्रन, सो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, एंड मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी कि आप लोगों के स्कूल में आने का मेरे को मौका मिले, तो आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक एन, प्लीज कम टू स्कूल प्लीज। ओके, थैंक्स अ लॉट किड्स, students, see you soon and do well in your life, and all the parents, make your kids do well in their life. Thanks a lot, Garima. Thank you. Okay, thank you so much. Swati ma'am, do you want to say anything? Swati ma'am is here. I think she is muted. Give her permission to unmute. Swati ma'am, do you want to say anything? So in that case, all the parents, all the children from wherever you have joined, thank you so much for joining and listening to Shikha ma'am. मैम भी बार बार ये बोल रही थी कि आप पॉजिटिव चीजों में अपना समय बिताओ। मैम ने एक बार भी नहीं बोला कि मैं मोबाइल देखती थी, मुझे मोबाइल देखना भी बहुत पसंद था, वो सब तो मैम नहीं बोली। वो क्या बोली कि खूब खेलती थी, खेलना उनको पसंद था, तो वो टेंथ में भी बहुत खेलती थी और ट्वेल्थ में भी बहुत खेलती थी। फिर वो जिस तरह का आपका इंटरेस्ट होगा अभी आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। ज्यादातर टाइम अभी आपका किस चीज में बीतता है, मोबाइल देखने में, मोबाइल पे खेल रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है ना बेटा। आप लोग सबको शिखा मैम से मिलाने का मेरा मकसद क्या था, मैं क्यों आप चाहती थी कि मेरे बच्चे शिखा मैम को सुने, इस वजह से ताकि हम लोग जब दूसरे को देखते हैं कि कोई इंसान कहाँ तक है, वो हम लोग की फ्यूचर है, या हमारे जितने भी बच्चे हैं आपके वो फ्यूचर है, आप फ्यूचर में वहां तक जाओगे। तो ये अगर आपको पता रहेगा कि किस रास्ते से मैं चलूंगा तो कैसे पहुंचूंगा, या किस रास्ते से मैं चलूंगी तो कहाँ पहुंचूंगी, तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अरे ये समय में मुझे ऐसा काम कर लेना चाहिए, तो आप ऐसा कर लोगे। इस वजह से हम लोग आपको बहुत सारे एजुकेशनल लोगों से और अलग अलग लोगों से कनेक्ट करेंगे, जिससे आपको कम से कम दो बात सीखनी है। उनकी सारी बात ना सीख पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी दो बात जो आपको उनके इतने देर के बाद में सबसे अच्छी लगी हो वो आप सीख लो, और जिंदगी में उस दो बात को एकदम पकड़ के रखो, जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो अभी भास्कर, नाउ आई थिंक वी कैन क्लोज। अगर किसी बच्चे का अभी भी कोई क्वेश्चन है जो शिखा मैम से पूछना है, गूगल से पूछने वाले क्वेश्चन को हम लोग, स्वाति मैम है अभी लाइन में। Yes, I'm there. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, Shikha ma'am has left already? No, she's left. Okay. So, kids, in future also, we will be conducting various seminars and webinars with many important people. ठीक है, जो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे तो ही वो बहुत सक्सेसफुल होगा, ऐसा
कोई भी इस तरह की मेंटेलिटी नहीं रखनी है. आप जो भी काम करो, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें खूब, जैसे मैम ने बताया ना कि मैंने जो भी काम किया उसे मैंने शिद्दत से किया. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. जो भी आप लाइन चूज करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वॉट एवर, इवन इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, यू वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, प्लीज नोट इट डाउन इन योर माइंड दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. फॉर दैट मतलब अगर आप उस चीज के लिए मेहनत नहीं करोगे, आप आर्मी में जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है. इफ यू थिंक कि मैं कोई एक शॉर्टकट रास्ता लेकर के वहां तक पहुंच जाऊंगा तो दिस इज अ मिस्टेक इन योर माइंड विच यू आर थिंकिंग. तो हमेशा याद रखना हमारी बातें, या किसी भी बड़े लोगों से जो कि अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, तो वो यही बात बताएंगे कि मैंने मेहनत की है. तो बिना मेहनत के नहीं पॉसिबल है. हो सकता है आज के लेवल में जैसे हम लोग एग्जाम्स कराते हैं या अभी ऑनलाइन ही हम लोग क्लासेस करा रहे हैं, इफ यू आर नॉट फेयर इनफ इन योर टेस्ट पेपर्स, तो ऐसा नहीं सोचना कि तुम चीटिंग करके मार्क्स ला रहे हो तो मैम को नहीं पता चलेगा या वॉट एवर. दैट इज फॉर योर सेल्फ. अगर आप बनोगे कुछ भी तो वो आप अपने लिए बनोगे. तो अगर आप अभी से मेहनत का इम्पोर्टेंस, डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे तो इन लाइफ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो अहेड. कहीं भी आगे जाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की जरूरत होती है. और आप किसी से भी, अभी जब हम लोग आगे भी हम लोग वेबिनार्स कराएंगे और ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे आपके सामने, जब आप किसी के भी लाइफ के बारे में पता करोगे, उनकी लाइफ स्टोरी, जर्नी, आप सोच सकते हो कि उस समय कैप्टन शिखा के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, वो सिचुएशन उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा जब वो बाइक पर बैलेंस बना करके चल रही होंगी. उनके वीडियोस मैंने भी देखे हैं, उसमें उन्होंने कंटिन्यूस बोला है कि डर लगता है. ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है, मुझे भी डर लगता है. तो एक पॉइंट आता है जहां पर इंसान को डर लगता है, ऐसी बात नहीं है, बट यू हैव टू ओवरकम दैट फियर. उस फियर को परास्त करना होता है अपने अंदर के विल पावर से, अपने अंदर के मोटिवेशन से कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड दिस वॉज स्पेशली फॉर गर्ल्स. गर्ल्स को बिल्कुल भी इस तरह का कोई चीज नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकते बिकॉज आई एम अ गर्ल. यू कैन अचीव एवरी थिंग इन योर लाइफ इफ यू वॉन्ट टू. अगर तुमने एक बार सोच लिया है कि मुझे करके दिखाना है तो यू विल बी एबल टू डू. बस उसमें जरूरत है तो हार्डवर्क की और ऑनेस्टी की. अगर आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, यू विल बी एबल टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, जो भी कुछ करना चाहते हो. सो माई बेस्ट विशेज इज विथ यू ऑल, विथ ऑल माई किड्स. और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक बहुत बहुत अच्छे इंसान बनोगे और बहुत अच्छा करोगे अपने फील्ड में. उसके लिए डेजा वू स्कूल इज ऑलवेज देयर. Our management team, our teachers, जो हमारी teachers आपको सिर्फ class ही नहीं, आपको basic discipline, moral values, हमेशा हर class में हर teacher आपको moral values सिर्फ इसलिए नहीं बताती है, इसका कहीं ना कहीं बहुत long term impact है. इस वजह से हर teacher आपको, चाहे वो हिंदी teacher हो, English teacher हो, पढ़ाने के साथ साथ moral values भी हम लोग आप लोगों में डालते हैं ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको. And whatever you do, उसको इस तरह से करना है कि बस यू शुड बी ऑन द टॉप, ऐसा काम करना है. ओके, सो विद दिस आई थिंक वी शुड एंड द सेशन. एंड अपकमिंग इवेंट इज आवर डांस इवेंट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. 30 तारीख को हम लोग कर रहे हैं डांस, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डांस कॉम्पिटिशन. ऑलरेडी चिल्ड्रन आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, सो यू हैव ओनली 2 more days, सो वर्क वेरी वेरी हार्ड. Okay, with this, I think we should end the session. Priyajit sir. Priyajit sir. Bhaskar. Yes, ma'am. Jeet. Unmute hai wo. हेलो. हाँ ठीक है, फिर हम लोग इसको एंड करते हैं फिर. सबको ऑल द बेस्ट, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत थैंक यू.
Okay, so for dance competition, we will be sharing the link like this only. Okay, and all of you can join. जैसे अभी हम लोगों ने आपको लिंक शेयर किया है, इन द सेम वे वी विल बी शेयरिंग द लिंक एंड यू कैन ज्वाइन. द टाइमिंग इज 11 AM ऑनवर्ड्स. ओके, सो डेजा वो स्कूल ऑफ इनोवेशन इज कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग यू अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको हर थोड़े दिन के बाद मिलेगा जहां आपको कंटिन्यूअस लर्निंग होगी आप लोगों की थ्रू सेवरल वेबिनार्स, देन थ्रू दीज कॉम्पिटिशंस, देन अपकमिंग कॉम्पिटिशन इज वन डांस कॉम्पिटिशन एज वेल एज योगा. योगा ऑल्सो ऑन इंटरनेशनल योगा डे वी विल बी कंडक्टिंग योगा कॉम्पिटिशन ऑल्सो. तो आप लोगों को कंटिन्यूस हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले. डोंट लैग बिहाइंड. ओके, इफ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी यू शुड ग्रास्प द अपॉर्चुनिटी. ओके, एनीथिंग मोर? थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन. हमारे बीच जामताड़ा के मिस्टर दीपक दुबे, डॉक्टर चंचल भंडारी भी जुड़े हुए थे प्रोग्राम में. यस सर, उनको हम लोग थैंक यू बोलते हैं अपने बीच वो आए. यस, और जो थैंक यू सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू for attending today's session. Thank you so much, sir. और मैं जरूर चाहूंगी कि आगे आने वाले वेबिनार्स में भी आप हमारे साथ जुड़े और हमारे बच्चों को एनकरेज करें. तो थैंक यू वंस अगेन दीपक सर, चंचल सर, थैंक यू सो मच सर. दे हैव ज्वाइंड फ्रॉम झारखंड. And it's a proud moment for our school also. Once again, thanks to all the teachers. Thank you all the children and the parents for maintaining discipline during the webinar session. And thank you, Garima ma'am. Thank you, Bhaskar sir, as well as Priyajit sir. Thank you, ma'am. For conducting such a smooth webinar. Okay, so we will end this session. Thank you, everyone. Bhaskar sir, you can close the session. Yes. Ma'am.